तो चलिए दोस्तों, एक और कहानी लेकर आया हूँ जीवन की कठिन परिस्थितियाँ। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसका जीवन दयनीय था और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। उसका पिता एक पेशेवर रसोईया उसे रसोई घर में ले आया। उसने पानी से 3 घड़े भरे और पत्ते को एक उच्च आग पर रखा। एक बार जब 3 बर्तन उबलने लगे तो उसने एक बर्तन में आलू रखे, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में ग्राउंड कॉफी बीन्स। उन्होंने तब उन्हें बैठने और उबालने दिया बिना उसकी बेटी को एक शब्द भी कहे। बेटी विलाप और बेशब्द से इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि वो क्या कर रहा है। 20 मिनट के बाद वह बर्नर बंद कर दिया। उन्होंने अंडों को बाहर निकाला और उन्हें एक कटोरी में रखा। फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रखा। उसकी ओर मुड़कर उसने पूछा, बेटी तुम क्या देखती हो, आलू, अंडे और कॉफी? इसने झट से जवाब दिया, नजदीक से देखो, उसने कहा, और आलू को छू लो, उसने कहा, और ध्यान दिया कि वो नरम थे। फिर उसने उसे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा। खोल को खींचने के बाद उसने कठोर उबले अंडे को देखा। अंत में उसने उसे कॉफी पीने के लिए कहा। इसकी समृद्ध सुगंध उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई। पिता, इसका क्या मतलब है, उसने पूछा। फिर उन्होंने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स ने एक ही विपरीतता का सामना किया है, उबलते पानी। हालांकि प्रत्येक ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। आलू मजबूत, कठोर और अविश्वसनीय था, लेकिन उबलते पानी में यह नरम और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था, पतली बाहरी खोल के साथ अपने तरल इंटीरियर की रक्षा। जब तक यह उबलते पानी में नहीं डाला गया था, फिर अंडे के अंदर का हिस्सा सख्त हो गया। हालांकि ग्राउंड कॉफी बीन्स अद्वितीय थे। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी को बदल दिया और कुछ नया बनाया। आप कौन से हैं, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा। जब प्रतिकूलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप एक आलू, एक अंडा या कॉफी बीन? कहानी से शिक्षा, जीवन में चीजें हमारे आसपास होती है, चीजें हमारे साथ होती हैं, लेकिन केवल एक चीज जो वास्तव में मायने रखती है वो यह है कि आप इस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं और आप इससे क्या बनाते हैं। जीवन सभी झुकावों को अपनाने और उन सभी संघर्षों को परिवर्तित करने के बारे में है जो हम कुछ सकारात्मक अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।